इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक कंप्यूटर को लेट्स सपोज उसमें कुछ वायरस आ गए हैं या कुछ उसमें कुछ और मसला है, और लेकिन उस पर यूजर्स भी जो है लॉगिन है, उसके डेस्कटॉप पे फाइल्स हैं, उसकी माय कंप्यूटर्स माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल्स वगैरह हैं और उसका डेस्कटॉप का वॉलपेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उसकी जो सेटिंग वगैरह है उसको हम कैसे मतलब उसकी यूजर की स्टेट को कैसे माइग्रेट करेंगे और फिर वापस उसको रिप्लेस करेंगे। मतलब मैं उन विंडोज़ को जो है रिफ्रेश कर दूंगा और जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ क्या होगा कि यूज़र के जो माय डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं डेस्कटॉप वगैरह की सेटिंग वगैरह वो कॉपी हो जाएगी और फिर जब ओएस इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर वो जो है फिर दोबारा उसी कंप्यूटर पर कॉपी हो जाएगी। मतलब अगर आपने विंडोज़ को रिफ्रेश करना है लेकिन आप चाहते हैं कि यूज़र की जो सेटिंग है और जो फाइल्स वगैरह हैं वो उधर ही रहें तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो इस मकसद के लिए मैं MDT पे आता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास विंडोज़ जो है उसका एक मतलब मेरे पास इमेज मौजूद है, तो सिर्फ मैं एक टास्क सिक्वेंस क्रिएट करूँगा, न्यू टास्क सिक्वेंस, और इसको सपोज मैं कहता हूँ यूज़र स्टेट। यूजर स्टेट और यहाँ पे मैं जो है टास्क सीक्वेंस हूँ उसमें आपने सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड को ये सेलेक्ट करें और इमेज जो है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या अगर इनकेस आपने नया टास्क सीक्वेंस नहीं क्रिएट करना ठीक है आपने पुराना ही यूज करना है जो कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया था ये विंडोज को डिप्लॉयमेंट करते हुए ये टास्क सीक्वेंस, तो आप इस टास्क सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं, इस टास्क सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं जो कि मैंने अपनी पिछली क्लिप में बनाया था और फिर उसको हमने जो है उसके थ्रू हमने विंडोज की इंस्टॉलेशन की थी। आइए चेक करते हैं, इसी को यूज करते हैं। मैं अपनी मशीन को पावर ऑन करता हूँ, ये टेस्ट मशीन को मैंने पावर ऑन किया है और मेरा बूटेबल मीडिया जो है वो डेफिनेटली आपका उसके अंदर पड़ा होना चाहिए, चाहे यूएसबी के थ्रू हो या आपने सीडी या डीवीडी उसको राइट किया हो। यानी आपने जाना है और वो सीडी या डीवीडी का या यूएसबी का जो इमेज था जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लिप में WinPE का, वो डालना है आपने इस कंप्यूटर में जिसका आपने जिसकी विंडो आपने रिफ्रेश करनी है, तो वो ये विंडो है इसके अंदर मैंने वो ये कंप्यूटर है जिसपे मैंने विंडो डाली है और इसको मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसको मैं इस यूजर को मैंने रीड एंड राइट की परमिशन दी है किसी फोल्डर पर, नेक्स्ट करता हूँ। इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेफिनेटली ज्वाइंट डोमेन कर लें आप, लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूँ विंडो 9 लेट्स सपोज या 8.1 कर लें जो कि अभी नहीं निकली है, और यूजर नेम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो सेम रखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे जो सेटिंग है इस सेटिंग को आपने जो है चेक करना है, ये है मूव डेटा एंड सेटिंग फ्रॉम प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज। अच्छा डू नॉट मूव यूजर डेटा एंड सेटिंग, क्योंकि हमने डेफिनेटली हमने डेटा जो है मूव करना है इस कंप्यूटर से, या लोकल भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो मैं जो हूँ मैं कहता हूँ कि नहीं भाई आप कीप एग्जिस्टिंग पार्टीशन, यानी कि जो पार्टीशन मैंने क्रिएट की थी पिछली क्लिप में वो उसको उस तरह रखो एंड मूव यूजर डेटा एंड सेटिंग, मूव यूजर डेटा एंड सेटिंग मतलब ये कैप्चर कर लेगा यूजर की जो सेटिंग वगैरह है, और इसके साथ ही आप टाइम की जो सेटिंग है वो सेट कर लें। नेक्स्ट करता हूं,
इस तरह जो ये विंडोज की इंस्टॉलेशन है ये शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि देखिए ऑफलाइन यूजर स्टेट कैप्चर, ये यूजर का जो स्टेट है वो कैप्चर कर रहा है, मतलब उसकी फाइल्स वाइल्स जो भी हैं डेस्कटॉप वगैरह पर उसकी सेटिंग मैटिंग उसको कैप्चर करेगा, फिर इसकी एक लोकल फाइल बनाएगा, लोकल फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर उसको फाइल्स वाइल्स को रखेगा, फिर विंडोज वगैरह को इंस्टॉल करेगा, और फिर क्या होगा कि ये फाइल्स जो उसने किसी फोल्डर में कॉपी की थी वो वापस जाकर यूजर की जो जिस लोकेशन पर वो पड़ी हुई थी उनको उस पर पेस्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि यूजर का प्रोफाइल वगैरह ये कॉपी हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब टास्क सीक्वेंस को आप सर्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर हैं वो आपने जो है बड़े केयरफुली जो है वो आपने सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आंसर आप सही केयरफुली सेलेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ये पेश आ सकती है कि आप अपनी विंडोज को जो बिल्कुल है कम्प्लीटली ही वाइप आउट कर लेंगे, यानी कि फिर नई इंस्टॉलेशन होगी जिसमें ना यूजर की स्टेट होगा ना उसकी मतलब फाइल्स मैनेज होगी, बाकी बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन होगा। तो आपने जब इंस्टॉलेशन करनी है तो आपने बी केयरफुल रहना है कि आपने क्या करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव जो है ये क्लीन हो रहा है और इसके बाद विंडोज जो है इंस्टॉल होगी। विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे कि हमने मेंशन किया है अपने टास्क सीक्वेंस में कि हमने की जो है विंडोज की एक्टिवेशन की नहीं डालनी, तो मैं इसको स्किप करता हूं। तो इस तरह हमारा सिस्टम जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं। अभी जो है टास्क सीक्वेंस जो है रेडी चल रहा है। रिकवर फ्रॉम डोमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिस्टार्ट हो रहा है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम एक बार फिर रिस्टार्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट का शेयर है वो यहां पे माउंट हो चुका है और यहां से मतलब सारी सेटिंग मैटिंग जो है वो सब कुछ हो रही है। फिर हमारा सिस्टम एक बार रिस्टार्ट हुआ है। आप देख रहे हैं कि यूजर का जो डेटा है वो रिस्टोर हो रहा है। एक और बात आप बताता चाहूँ कि जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो हमने डोमेन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि आप इस कंप्यूटर को डोमेन पे ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो या तो एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए या फिर जो है किसी खास मतलब हेल्प डेस्क के बंदे के मतलब यूजर के जिसको कंप्यूटर को डोमेन पर ज्वाइन करने की परमिशन हो। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट वन यूजर जो है वो 10 कंप्यूटर को जो है ज्वाइन कर सकता है डोमेन के साथ, मतलब नॉर्मल यूजर हो। फॉर एग्जांपल मैंने यूजर क्रिएट किया अली और फिर जो है मैं कंप्यूटर जो है डोमेन पर ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। अनलेस के आप ADSI एडिट में जाएं और वहां से वो परमिशन खत्म करें सारे यूजर के साथ। दूसरे सूरत में अगर आपने किसी यूजर को परमिशन देनी है कंप्यूटर को डोमेन पर ज्वाइन करने के लिए, तो इस मकसद के लिए आपने डेलीगेशन जो है क्रिएट करनी है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में। तो यूजर का डेटा जो है वो भी वो रिस्टोर हो रहा है।
हमें सक्सेसफुल का जो है मैसेज आया है, और सिर्फ एक वार्निंग जो है, टू मैनी टाइम काउंट फोर, मतलब चार दफ़ा डोमेन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की गई है। ये परमिशन की वजह भी हो सकती है, अगर मैं कंप्यूटर को देखूं, उसकी प्रॉपर्टी में जाऊं माय कंप्यूटर के, तो देखता हूं कि डोमेन पे ज्वाइन हुआ कि नहीं। ये ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो क्रेडेंशियल थे उस पर महल में वो सपोर्ट नहीं थी कि वो डोमेन को ज्वाइन कर सके। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम इसको सक्सेसफुल कहेंगे, लेकिन ये सिर्फ डोमेन को ज्वाइन नहीं कर सका। इसके अलावा जो मेरे जहाँ पर डेटा मैंने रखा हुआ था वो सारा जो है वहाँ पर है, ये सारी फाइलें जो थी मेरी यहाँ पर मैंने रखी थी, लेट्स वो सी के सी ड्राइव पे आई थिंक मैंने कुछ कॉपी किया था, वो चेक करता हूँ। देखिए सी के जो मैंने कॉपी किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है, न्यू फोल्डर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और डी पार्टीशन को डेफिनेटली इसने कुछ टच ही नहीं किया होगा, वो भी सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कंप्यूटर को डोमेन से ज्वाइन करता हूँ, कि मैं नॉर्मल यूजर से डोमेन को ज्वाइन कर रहा हूं, और देखिए यहां पर इसने डोमेन को ज्वाइन कर लिया। क्लोज करता हूं और रीस्टार्ट करता हूं। तो इस तरह हम अपनी किसी भी सिस्टम को जो है वो रिफ्रेश कर सकते हैं, यूजर का डेटा जो है वो माइग्रेट हो जाएगा और या लोकली उसकी कॉपी बन जाएगी और विंडोज वगैरह फ्रेश हो जाएगी, और फिर वो उस फोल्डर से वो डेटा जो है वो वापस कॉपी होकर यूज़र की जिन जिन लोकेशन पर उसने वो डेटा रखा था, मतलब माय कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट्स हैं या सी पार्टीशन के अंदर जो भी हैं जहाँ पर विंडोज वगैरह इंस्टॉल होती है, या माय वीडियोस में या माय पिक्चर में जो कुछ भी उसने वहाँ पर रखा था वो वहाँ पर ही मतलब वापस प्लेस कर दिया जाता है। इस लैब से पहले मैं डोमेन का एक यूज़र था जो कि जिसका नाम MDT था, और उसके डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल्स जो हैं ये जो है कॉपी की थी, और इसके अलावा सी ड्राइव में तो डेफिनेटली मौजूद होंगी कुछ फाइल्स, और इसके अलावा माय डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर भी जो फाइलें मैंने ये लर्सर मैंने माय पिक्चर वगैरह में कॉपी की थी, तो वो सारा जो है डेटा वो वहाँ पर मौजूद है। तो सिर्फ डोमेन ज्वाइन के अलावा, क्योंकि शायद वहाँ पर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सही नहीं डाला, उसके अलावा जितने भी सारे काम थे यूज़र स्टेट माइग्रेशन वगैरह वो बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तो हम जो है इस वीडियो को हम कह सकते कि सक्सेसफुल रही है अप टू 95%, लेकिन डोमेन पे ज्वाइन करने के लिए मैंने क्रेडेंशियल जो है वो सही नहीं डाले थे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम पेश आ गई, लेकिन बाकी यूजर का स्टेट माइग्रेशन जो है वो 100% जो है ठीक हुई है।